Hello everybody and welcome back to Articulator by Adish. We all know that day by day NEET 2022 is coming closer and no doubt ki aapki exam ki tayari full phase mein chal rahi hogi. But what happens if you remove some time and listen to the ones who have already gone through the journey of NEET? Okay, so surely watch this video till end and gain the most incredible gnan through it. So let's go. Point number one, if you haven't completed syllabus till now, don't worry. Aapko max to max first week of February tak try karna chahiye syllabus complete karne ke liye. And don't fall into prey ki main to bas full syllabus complete karke hi test series start karunga. Don't do that. You may get messed up very badly. Almost complete one time full reading of your entire syllabus, चाहे कम ज़्यादा क्यों ना हो, क्योंकि आप अगर पहली बार में ही पूरा पढ़ लेते हो और फिर बोलते हो मैं तो पूरा रिवाइज करूँगा और उसके बाद ही टेस्ट सीरीज दूंगा, सो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा. वैसा भी आप कुछ चीज़ याद करोगे और फिर कुछ चीज़ भूलते जाओगे. उससे अच्छा बेटर ये है कि साइमल्टेनियस करते जाओ. सो मुझे पता है कि कोचिंग का सिलेबस जैन में ख़त्म नहीं होता है, वो थोड़ा दूर ही चलता है, एटमोस्ट फेब्रुअरी एंड या फिर मार्च तक चलता है. मेरे टाइम में क्या हुआ था, ड्यू टू लॉकडाउन नीट भी थोड़ी पोस्टपोन्ड हुई थी पिछले साल, 2021 की बात है. तो अभी वो थोड़ा नीट अभी पोस्टपोन्ड होने की वजह से सिलेबस भी मार्च 20 मार्च या 25 मार्च के आसपास कंप्लीट हुआ था. तो हमारे हाथ में चार मंथ्स थे, फोर मंथ्स वर्द है, और अभी तो नीट एग्ज़ाम शायद मई या जून में भी हो सकती है. तो आपको सिलेबस फरवरी तक कर लेना चाहिए यार, मतलब मैक्स टू मैक्स 15 फरवरी तक करो, पर आप एक बार अभी पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो. अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो रिविजन आप बायोलॉजी के लिए ज़्यादा करो, क्योंकि वो वोलाटाइल सब्जेक्ट है, आप फिर पढ़ोगे फिर भूलोगे, तो आपको रिवीजन करते रहनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, 360 मार्क्स का वेटेज है. आप चाहे तो थोड़े बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज भी देखो, या कोई टॉपिक ना समझे जैसे कि मान लो C3 C4 साइकिल्स हो गई, वो NCERT से आपकी क्लियर ना हो रही हो, तो आप YouTube पे कुछ देख लो, थोड़े बहुत बाहर से रिसोर्सेस देख लो, वो करो, जिससे आपकी वो बारीक बारीक छोटी छोटी सी भी कंसेप्ट जो होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी. फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक्स, क्योंकि मॉक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इम्पॉर्टेंट क्या, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, टू चेक यूअर नॉलेज एंड हाउ मच यू कैन प्रैक्टिस MCQs. रोज के डेली एक्टिविटीज़ में आप MCQs के लिए टाइम निकालो और MCQs की प्रैक्टिस करो, टाइम के अंदर ही करो, टाइम लिमिट लगाओ, एक मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए. इसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो. शुरुआत में आप मान लो आप कोई अगर टेस्ट सीरीज लगा रहे हो और आपने मान लो अगर LN की टेस्ट सीरीज ली है, तो टेस्ट सीरीज का जो भी रिस्पेक्ट टू टाइम वहाँ पे दिया होता है, रिस्पेक्ट टू टाइम या डेट, वही डेट्स आप फॉलो करने का ट्राई करो, क्योंकि बहुत बच्चों का ऐसा भी होता है वो डेट्स चली जाती है और फिर वो टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उससे आप पीछे रह जाओगे, नीट भी पास में आती जाएगी और आपकी फटती चली जाएगी, क्योंकि चैप्टर्स के आपके MCQs सॉल्व ना हुए होंगे और आप फिर नीट पास में आ रही है और फिर मैं तो कंसेप्ट से भूल गया और मैं तो अभी कंसेप्ट के पीछे पड़ जाऊंगा और मॉक्स को जाने दो, मैं अभी पढ़ाई करते रहता हूँ, तो ये भाई फट के हाथ में आ जाएगी, स्कोर नहीं आएगा. तो जैसा वो डेट्स आ रही है ऐप में, मैक्सिमम ट्राई करो कि आपको उसी में ही सॉल्व करना है. अब उसके बाद में एक चीज़ आती है कि पार्ट सिलेबस में मॉक्स होती है शुरुआत में, मतलब दो दो तीन तीन चैप्टर को कंबाइन करके, तो उसमें वो लोग कुछ क्वेश्चंस थोड़े बाहर से डाल देते हैं, क्योंकि अब तीन या चार चैप्टर पे बेस्ड है वो क्वेश्चन पेपर, तो ये जो
टेस्ट सीरीज वाले लोग हैं, एलन मान लो या आकाश मान लो, तो ये चार पांच क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी डालते हैं। कुछ पैनिक मत करो, शुरुआत में थोड़ा स्कोर कम आएगा, चलेगा, नो नीड टू वरी। धीरे धीरे स्कोर बराबर से बढ़ ही जाएगा, क्योंकि फाइनल पेपर में एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आने ही नहीं वाला है, सो नो नीड टू वरी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको नीट के प्रैक्टिस के लिए सेम नीट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप सॉल्व करो, 7-8 ईयर के पिछले आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, टाइम लगा के सॉल्व करो, लेकिन सेम पैटर्न के सॉल्व करो। अब जैसे हमारे टाइम जो आया था 2021 के लिए, तो 200 क्वेश्चंस थे। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सॉल्व तो आपको किसी भी हालत में 180 ही सॉल्व करने हैं, तो 200 क्वेश्चंस का क्या मतलब। जनरल वार्निंग, यू हैव टू सॉल्व 200 क्वेश्चंस एंड मार्क 180 अमॉन्ग देम, सो द टाइम इज नीडेड फॉर 200 क्वेश्चंस ओनली। उल्टा ये चीज ज्यादा गंदी है, क्योंकि आपको 200 क्वेश्चंस को एनालाइज करने में ज्यादा टाइम जाता है, सो दिस इज अ बिग गेम। पहले हर सब्जेक्ट में पहले 35 क्वेश्चंस सॉल्व होने के बाद में जो 15 क्वेश्चंस बचते हैं, उसमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और यही पे डिसाइडिंग में बहुत टाइम जाता है। इसीलिए टाइम को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करना ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको इतना ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू इट एंड वी नो ऑन द फाइनल डे व्हाट हैपेंस, ठीक है। उसके बाद मैं एक पॉइंट दूंगा कि आफ्टर कंटिन्यूसली सिटिंग फॉर मॉक्स, बार बार जब आप मॉक टेस्ट देते रहते हो ना, तो आपको 3 घंटे बैठना पड़ता है। अब काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है कि वो 3 घंटे बैठने के बाद पूरा दिमाग का संतुलन जो होता है ना, पूरी एनर्जी जो होती है वो उस पेपर को सॉल्व करने में निकल जाती है, तो वो बहुत एकदम ही एग्जॉस्टेड फील करते हैं, और फिर ऐसा बार बार करने के बाद ना उनकी स्टडिंग कैपेसिटी ना धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर और थोड़े दिनों में अगर आप वही साइकिल कंटिन्यू करते हो रोज़ मॉक देने का, तो इससे क्या होगा, एक दिन आपकी मॉक्स देने की जो इच्छा होगी ना वो कम हो जाएगी। दिस विल हैपन एंड यू विल फील वेरी एग्जॉस्टेड एंड यू विल फील एंग्जाइटी फॉर सॉल्विंग पेपर्स। सो बेटर पुट गैप्स, द बेटर ऑप्शन इज इफ यू ट्राई टू फॉलो द डेट्स गिवन बाय द टेस्ट सीरीज दैट यू हैव सब्सक्राइब टू, इट इज नॉट ऑन अ डेली बेसिस, देर इज प्रॉपर गैप इज देयर बिटवीन पेपर्स, सो ट्राई टू फॉलो द टेस्ट सीरीज डेट्स ओनली। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉक देते समय फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज द सिलेबस ऑफ द मॉक एंड देन रिवाइज अगेन। अगर आपको कोई कंसेप्ट मान लो कन्फ्यूजन है कोई कंसेप्ट में, तो वो कंसेप्ट को आप रिवाइज कर लो, फिर से एक बार पढ़ लो और फिर मॉक के लिए बैठो। उसके अगला पॉइंट मैं बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि स्टडी रूम में ही बैठ लेंगे और वहीं पे मॉक दे देंगे, दैट शुड नॉट बी द वे। आप जिस रूम में रोज स्टडी कर रहे हो उस रूम में मत बैठो मॉक देने के लिए, क्योंकि माइंड का काफ़ी फर्क पड़ता है। व्हेन यू आर ऑन द सेम स्टडी टेबल गिविंग यूर मॉक टेस्ट, देन योर माइंड फॉल्स इनटू द कंफर्ट जोन कि भाई ये तो अपनी रोज की जगह है, रोज अपन पढ़ते भी यहाँ हैं, डोंट डू दैट। चेंज द रूम, शिफ्ट योर टेबल फॉर द टाइम बींग टू सम अदर रूम एंड पुट द टाइमर फॉर 3 hours, डोंट टेक एक्स्ट्रा टाइम, नॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग इवेंट। 3 घंटे में जितना हुआ उतना करो। अगर आप शुरुआती पेपर में ऐसा करोगे भाई 3 घंटे हो गए लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं, चलो 5 मिनट ज़्यादा लूँगा पर इसको पूरा ही कर लूँगा, मैं इसको पूरा ही कर लूँगा, डोंट डू दैट। इसे आप है ना थोड़े थोड़े कंफर्ट जोन में जाने लगोगे, और फिर वो प्रिसाइज 3 hours की टाइमिंग वाली प्रैक्टिस तो आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि आपको 3 hours में सब सॉल्व करके जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो फिर से एनालाइज करके पूरा पेपर एक बार क्रॉस चेक करके फिर आपको
पेपर सबमिट करना होता है. सो 3 आवर्स में जितना हो रहा है उतना ही करो, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है. और लोकेशन चेंज करो, आप जिस भी लोकेशन पर हो उससे अलग लोकेशन पर बैठ के ही सॉल्व करो. और एक सजेशन दूंगा, आपकी एग्जाम अभी पास में आ रही है, आपको मतलब अगर कुछ भी लगता हो कि आप मुझे कुछ सजेशन चाहिए आपको, तो आप ऐसा कमेंट करो. आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस, आस्क डाउट्स, नो प्रॉब्लम, एंड ऑल्सो टेल मी व्हाट यू वांट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल देन एंजॉय, स्टडी हार्ड, बाय बाय.